तो हिंदी में कोई है टाइटल है आई थिंक नेशन ब्रोवा की वीडियो अलम शेख है आई थिंक अफगानियों से या पाकिस्तान के पठानों से इंटरव्यू कर रही है। तब भी आपको मौका मिले क्योंकि मुझे मुझे मैं बड़ी खबरें पढ़ती हूँ कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती बड़ी ज्यादा है, तब भी मौका मिले तो भारत को प्रेफर करोगे या पाकिस्तान को? नहीं भारत को, हमारा कजन इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान की हो, मोहब्बत इंडिया से कर दो या पाकिस्तान से? नहीं मोहब्बत पाकिस्तान से ही होगी ना, लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा तो ये तो ना वाली बात। अफगानी है? नहीं हम पाकिस्तानी है। क्या हुआ? पाकिस्तान के लिए हमने बड़ा कुर्बानी दी, हमारे शहीद ही हुए, हमारे भाई शहीद हुआ बॉर्डरों पे, हम कैसे अफगानी है? मतलब आप हैं तो अफगानिस्तान है ना आपका रीजन? हम पाकिस्तानी है, हम इस पाकिस्तान के लिए हमने बड़ा कुर्बानी दी। अफगानिस्तान का 1000 रुपया, 1000 अफगानी नहीं है, 1000 अफगानी, यहाँ का 4500 रुपया बनता है। हेलो गाइज, मेरा नाम अनु धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। आपने सुना होगा कि अफगानिस्तान के लोग भारत का बहुत सपोर्ट करते हैं, लेकिन आज हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाएंगे जिससे आपको यकीन भी हो जाएगा कि कोई पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर अफगानी कह रहा है कि भारत से हम ज़्यादा प्यार करते हैं पाकिस्तान से नहीं। वीडियो है निमरा अहमद का, पहले आप वीडियो देखिए फिर हम बात करते हैं इस टॉपिक के। क्या हुआ आप पाकिस्तानी? हम हमारा पास पाकिस्तान का है, अपने आईडी कार्ड है, सब कुछ है। पाकिस्तान कहता है अफगानिस्तान की हमने बहुत मदद की। आप कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान को बहुत कुछ दिया। पाकिस्तान कहता है हमने अफगानिस्तान की हर तरह से मदद की। वो तो उसका अपना मामला है, लेकिन हम नहीं, अपना मामला क्या है? आप कह रहे हैं आप पाकिस्तानी है, फिर अपना मामला कैसे है? पाकिस्तान का मामला आपका मामला नहीं है? नहीं हमारा, हम पाकिस्तानी है। आप पाकिस्तानी है तो वही तो मैं कह रही हूँ, पाकिस्तान का मामला आपका मामला नहीं है। हमारा मामला तो है, लेकिन कोई मान ले, कोई मान ले, कोई मान ले, कोई मान ले, सच सच बताएगा इलीगल अफगानी है। आपके पास आइडेंटिटी है पाकिस्तान की? मेरा पाकिस्तानी है, मैं कार्ड दिखा देता हूँ, जो आप सब कुछ आपके पास है वो भी मेरा पास है। हम अफगानी है, ये लोग पाकिस्तानी है। आप अफगानी है, पाकिस्तानी नहीं है? आप अपने आप को पाकिस्तानी क्यों कह रहे हैं? तो आप इधर रहे हैं, लेकिन इधर तो रह रहे ना, उधर क्या जगह वाला है? दिल नहीं मानता पाकिस्तान के साथ, तो फिर क्यों रह रहे हो? तो इधर कमाता हो ना, इधर कमाता हूँ, खाते यहाँ से हो, पैसा तुम्हें यहाँ से मिलता है, कमाते तुम यहाँ से हो, कह रहे हो कि तुम पाकिस्तानी हो ही नहीं। दिल नहीं मानता है ना, क्या दिल नहीं मानता? तो फिर जाओ वापस। होता है अफगानिस्तान वाला है, अफगानिस्तान वाला है ना, दिल नहीं मानता तो फिर वापस क्यों जा रहे हो? जाएगा ना, पैसा कमा के जाएगा, माह रमजान में जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान से पैसा कमा के फिर वहाँ जाएगा? लेकिन उधर से एक बात सुनो, उधर हमारे अफगानिस्तान में जो है सही चीज जो है काम नहीं है ज्यादा। क्या है? काम नहीं है तालिबान की वजह से? हाँ अभी तो सिस्टम थोड़ा सही नहीं है, ऐसा ऐसा सही हो जा रहा है। तो तुम्हें शेल्टर तो पाकिस्तान ने दिया हुआ ना इस वक्त? तो बात सुनो, इधर तौर कौन जाता है? अरबन लोग भी बहुत ज्यादा है, उधर पंजाबी जाते हैं सीलिंग का काम करते, ऐसे इधर से भी जाते हैं, वहां से भी आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, ऐसे नहीं बोल। मैं बात समझ गई हूँ, मैं उनकी बात तो कह रही हूँ, वो कह रहे पैसा कमा के लेके जाएगा उधर, शेल्टर यहाँ से ले रहे हैं। इसका बात मुझे बात कंप्लीट करने दे, मुझे बात कंप्लीट करने दे, मेरा सवाल उनसे है, मेरा सवाल उनसे है। आपने पाकिस्तान में थोड़ा ले गया, आपसे सवाल है ना, आपने बोले रमजान में जाएगा कमा के यहाँ से, काम 5-6 साल से भी काम करते है। आप कहते हो कि पाकिस्तान ने आपको दिया क्या है? हाँ ना मेरा, ये तो हम अपनी मजदूरी से अपनी मेहनत से कमाते है, पाकिस्तान ने हमको दिया। यही मेहनत मजदूरी अफगानिस्तान में क्यों नहीं? गलत देखो ना, रेडी किया से उल्टा उल्टा किया है सामने देखो। इसका मकसद कहने का ये कह रहे हैं अफगानिस्तान में ठीक है, वो लोग कह रहे हैं उधर लड़ाई है, लेकिन फिर भी लोग को सुकून है, उधर रेडी वाला सुकून से खड़ा होते है, इधर देखो ये पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ओर के भी जो हवा में इधर का जितने भी लड़के है ये सब पाकिस्तानी है, और इधर अपना वहाँ हमारे अफगानिस्तान का जो है अफगानिस्तान का 1000 रुपया, 1000 अफगानी नहीं है, 1000 अफगानी, यहाँ का 4500 रुपया बनता है। तब भी आपको मौका मिले क्योंकि मुझे मुझे मैं बड़ी खबरें पढ़ती हूँ कि अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती बड़ी ज्यादा है, तब भी मौका मिले तो भारत को प्रेफर करोगे या पाकिस्तान को? नहीं भारत को, भारत को प्रेफर करोगे? क्यों? बस वो ये सही नहीं है। कैसे है? बस नहीं सही नहीं है, हमारे दिमाग में सही नहीं है। अच्छा ये ठीक नहीं है, भारत भारत जाओगे ना, भारत 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 में क्या अच्छा लगता है? क्या ये तो अगर मेरे इजाजत में हो ना तो मैं सारा जिंदगी अफगानिस्तान में गुजरूंगा। अच्छा। अगर पैसे में से ना हो तो फिर भारत में जाऊंगा ना,
उधर सूद का कारोबार ज्यादा है। कमेटी वाला बैठा है, ये फालतू है, ये पागल है। मेरा मकसद अच्छा, मैं कह रहा हूँ उधर सालन पकाता है, सालन नहीं पका है। अच्छा आप ना, आप इस लोग चले गए, उनको भेज दिया। अच्छा आप समझते हैं पाकिस्तान इंडिया का कोई कंपटीशन है? ये हम बातें कहने में तो पाकिस्तान को कहते हैं जी इंडिया को ये कर देगा। इंडिया हमसे 100 साल आगे है, बहुत आगे, इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। ये तो जो पाकिस्तानी होंगे सब होता है कि यार हम पाकिस्तानी हम बहुत अच्छे हैं, पाकिस्तान इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला है ही नहीं। दिल को तसल्ली दें तो मुकाबला है, अदरवाइज इंडिया पाकिस्तान से 100 गुना आगे जाता है। लेकिन वो बस माइंडों में हमारे भरा है, पाकिस्तानी वैसा मोहब्बत करते हैं पाकिस्तान से। हमारा कजन है इंडिया वाला। आपका कजन, आप अफगानी हो? हाँ। अफगानिस्तान का? अफगानिस्तान के हो, मोहब्बत इंडिया से करते हो या पाकिस्तान से? नहीं, मोहब्बत पाकिस्तान से ही होगी ना। लेकिन अगर आप पूछेंगे तरक्की कौन करे तो इंडिया बहुत आगे है जी। आप आंखें बंद कर लें कि जी बिल्ली को कबूतर नहीं खाएगा तो ये तो ना वाली बात है। आप सर की बात से एग्री करते हैं कि इंडिया हमसे बहुत आगे है? हाँ। तरक्की की बात करते हैं, आप लोगों को क्या लगता है भारत आगे है या पाकिस्तान आगे है? ये भारत नहीं आ गया कि अब हम इस्लाम, अल्लाह का शुक्र है हमारा सही मुल्क। मुसलमान वहाँ पर भी है, मुसलमान वहाँ पर भी है, मुसलमान वहाँ पर भी है। हम अपने मुल्क में खुश है। आपको कौन कह रहे हैं कि भारत जो, आपकी तो बात ही नहीं हो रही, बात तो तरक्की पर हो रही है। तरक्की की बात करते हो, तरक्की में भारत है, तरक्की में भारत आगे है, आगे उसमें आगे क्यों? हमारा मुल्क हर बंदे ने और हर आवाम ने खाम खा कर्ज देना होते ना, हम तो भारत में तो कर्ज तो नहीं देना। भारत जो फिल्मों में भी सबसे आगे है। सर पाकिस्तान तरक्की में कहाँ है? पाकिस्तान कैसे तरक्की करेगा? कैसे करेगा तरक्की? उसके लिए अच्छा वो कमरान होना चाहिए, वो बेचारा अंदर कर दिया, जिसने मुल्क सही कर रहा था उसको अंदर कर दिया। अब पाकिस्तान में अगर हम तालीम की बात करते हैं, जदयू की टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, तो पाकिस्तान कहाँ पर है? पाकिस्तान जीरो पर है। अफगानी है? नहीं, हम पाकिस्तानी है। क्या हुआ पाकिस्तान के लिए? हमने बड़ा कुर्बानी दी, हमारे शहीद ही हुए, हमारे भाई शहीद हुआ बॉर्डरों पे, हम कैसे अफगानी है? मतलब आप हैं तो अफगानिस्तान है ना आपका रीजन? हम पाकिस्तानी है, हम इस पाकिस्तान के लिए हमने बड़ा कुर्बानी दी। अफगानिस्तान हमेशा भारत का साथ देता, इसी वजह से ये बंदा भी भारत का सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर। अब ये बात पाकिस्तानियों को बिल्कुल खराब लग रही है, यहाँ पर जितने भी खड़े हैं सब कह रहे हैं कि ये बहुत जो है गलत बोल रहा है, इसको अफगानिस्तान चले जाना चाहिए, फिर भारत चले जाना चाहिए। आप सोचिए एक पाकिस्तान के अंदर खड़े होकर इस तरीके की बातें कर रहा है तो कितना अपने अंदर से इसकी हिम्मत होगी जो भारत को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन ये बंदा खुलकर कह रहा है कि मैं भारत को पसंद करता हूँ पाकिस्तान के कंपेरिजन में, और ये पाकिस्तान के अंदर रहता है, तो सोचिए वहाँ पर जो हालात होंगे वो कितने खराब होंगे कि वहाँ के लोग भारत को सपोर्ट करने को तैयार हैं। दूसरा सबसे बड़ी बात यहाँ पर नोट करने वाली है कि ये बंदा एक वीडियो के अंदर कह रहा था कि अफगानिस्तान की सरकार पाकिस्तान के अंदर आने वाली है, मतलब कि वो सपोर्ट कर रहा है तालिबान को, वो चाहता है कि पाकिस्तान के अंदर तालिबान आ जाए और यहाँ पर जैसे अफगानिस्तान के अंदर तालिबान राज करता है उसी तरीके से करे। मैक्सिमम जो केपीके के लोग हैं उनका ये मानना है कि अफगानिस्तान से जो केपीके है वो बिलोंग करता है खैबर पख्तून इलाके का, आपने नाम सुना होगा, वो अफगानिस्तान से बिलोंग करता है, उसका 100 साल का एग्रीमेंट हुआ था जब अंग्रेज थे, उसके बाद में उसको अफगानिस्तान में मिल जाना चाहिए। पाकिस्तान इस चीज़ को मानने को तैयार नहीं है और वो कह रहा है कि हम केपीके पाकिस्तान के अंदर रखेंगे, हम अफगानिस्तान को वापस नहीं करेंगे। इसी वजह से तालिबान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट का हमेशा लड़ाई चलती रहती है। हाल ही में कई सारे अटैक भी हो चुके हैं पाकिस्तान के ऊपर और सीमा जो उधर है डोरेंट जो लाइन है वहाँ पर हमेशा तनाव का माहौल बना रहता है। ओवरऑल ये पाकिस्तानियों के लिए सीख है कि अगर आप अच्छा काम करेंगे तो फिर दुनिया आपको सपोर्ट करेगी, आपके घर के अंदर रहने वाले भी आपको सपोर्ट करेंगे। लेकिन आप आतंकवादी बनेंगे, आप दुनिया भर को परेशान करेंगे, उनके यहाँ बम ब्लास्ट करेंगे तो फिर आपको कोई भी सपोर्ट करने वाला नहीं है। तालिबान को ये सबसे बड़ा अपना साथी कहते थे, बहुत खुश हुए थे जब अफगानिस्तान के अंदर तालिबान की गवर्नमेंट आई थी। लेकिन आज के हालात अगर आप देखें तो तालिबानी ही इनको गालियाँ दे रहे हैं, तो कह रहे हैं कि हमारा रुपया तुमसे बहुत आगे निकल चुका है, तुम हमारे बराबरी करने की कोशिश मत करो, हमारे बारे में बात करने की कोशिश मत करो। आपका क्या कहना है इनके बारे में आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय। तो जी दोस्तों वीडियो अभी खत्म। वीडियो का असल में ना ये तो वही बात होगी ना कि अफगानियों की आज बात की जाए ना, मतलब उनके साथ जो बिहेवियर पाकिस्तान गवर्नमेंट कर रही है वो कितना, $328 था, 830 डॉलर वो जो ले रहे हैं उनसे, वही ना, मतलब पाकिस्तान छोड़ने के बाद 810
$830 अफगानियों से लिए जा रहे हैं एज अ टैक्स। अच्छा लिए नहीं है, कहा था ऑफिशियली उन्होंने कहा था, लेकिन लिए नहीं है। अच्छा हाँ, बाकी लिए नहीं है और उनको वो 250 लाख या 50 असल में भाई पता उनकी लेने की वजह क्या थी? उनकी वजह ये थी कि भाई अब हमारे अब्बू जी से तो आ नहीं रहे, तो आप हमेशा के लिए जा रहे हैं, तो आप कम से कम आखिरी दफा ना आप देते जाएंगे। आपके यार रहने पे भी हम डॉलर लेते थे, तो आप अलविदाई तौर पे जा रहे हैं, तो हमें कम से कम जाते हुए डॉलर ये वो चाहते हैं कि यानी कि रेंट उनसे जो है ना वो इधर रहने का। अच्छा अफगानिस्तान के लोग या वो जो पठान थे वो पाकिस्तान से ज्यादा इंडिया से मोहब्बत क्यों दिखा रहे? इसके पीछे रीजन को नहीं देखना चाहता, बस ये देखना चाहता कि ये क्यों करते हैं यार ऐसा अफगानी हमारे साथ, मतलब वो पाकिस्तान ये कहते हैं कि अफगानिस्तान ऐसा क्यों बोलते हैं, अपनी मोहब्बत क्यों दिखाते हैं इंडिया से। मेरा एक दोस्त है पठान, यकीन करे भाइयों से भी ज्यादा अजीज है मुझे अफगानी है, बाप दादा साहब तो पाकिस्तानी है, उनको मतलब उनको कहा भी नहीं। हाँ, आपने बताया था कि उसके बाप दादा की जमीन भी है। हाँ, उधर अभी भाई तकरीबन 50 एकड़ उनकी जमीन भी है और अभी जाते रहते हैं, और वहाँ पर जो है ना वो हमें तो कहते हैं ठेके में जो पंजाबी भाई उनको समय लग जाएगा, यानी कि दूसरे रखवाले करने के लिए किसी को देकर आते हैं, उनके बाप दादा जाते रहते हैं। अच्छा वो कह रहे थे कि हमें भाई उन्होंने नहीं कहा हम पाकिस्तानी हैं, और वो ये कह रहा था कि जो मैंने उनसे पूछा यार आप इतनी जो अपने आपके रिश्तेदार हैं अफगानी हैं उनसे इंडिया से मोहब्बत क्यों करते हैं, फिर उसने मुझे पूरी डिटेल में बताया, उसने कहा यार हमें पाकिस्तान ने अड्डे दिए, हमारा मुल्क तबाह करवाया पाकिस्तान ने, उसके अलावा पाकिस्तान के लोग जो हैं वो ठीक नहीं है, करते कुछ हैं और करते कुछ हैं और कहते कुछ हैं, मतलब कि इनका एक अच्छा सही नहीं है, कहीं इमेज ठीक नहीं, इमेज नहीं ठीक, मतलब बात है कि पक्के नहीं है, पक्के नहीं है, तो इसकी मिसाल रिजल्ट और इंडियन उसके मुकाबले में जो बात करते हैं उस पर भी अमल करके दिखाते हैं, और उसको देखा उनका भी इकोनॉमी का लीवर देखे वहां पर, यहाँ पर यहाँ पर भी बेचारे मेहनत ही करते, इधर से पैसा जो है वो अपनी सैलरी लेकर अपने कंट्री में जाते हैं, और वो कह रहे थे यहाँ पर तनख्वाहें भी बहुत कम हो चुकी हैं, यहाँ पर अपने जो है ना वो गुजर बसर बहुत कम होता है, इसलिए और इंडिया जो है उनकी अपनी कंट्री के लिए बहुत कुछ कोशिश कर रहा है, वहाँ के इन्वेस्ट कर रहा है उनकी कंट्री में, देखें कि एजुकेशन का सिस्टम वो बहुत अच्छा कर रहा है, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वो बहुत अच्छा कर रहा है, उसके अलावा हेल्थ का जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है, और वो क्यों ना मोहब्बत करें, बनता भी मोहब्बत करना। पाकिस्तानी अफगानिस्तान का दोस्त बता रहे थे वो जिसके बावजूद वो आई थिंक उसका जो बाप है वो भी अफगानी है, तो आप वो इधर पैदा हुआ है, आई थिंक वो इधर पैदा हुआ है, मिला था वो की नाम है उसका बता रहे थे अब्दुल्ला, हाँ इधर मुझसे मिला भी था वो वाकई पठान ही है उधर अफगानिस्तान के है। तो उनके जो दादा के जो अबू थे ना वो इधर आए थे, और दादा भी उनके इधर के, उनके बाप भी और खुद भी वो इधर का, आगे तो भी उसकी भी शादी हो चुकी है, मतलब अब उसकी भी शादी हो चुकी। खैर मतलब ये नहीं है कि अफगानिस्तान इंडिया से मोहब्बत क्यों, मसला यह कि वो पाकिस्तान से नफरत क्यों करते हैं, हालांकि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री, उसका दूसरा पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ वजह यार वो कहते हैं कि ये पूरे मुस्लिम ही नहीं है पाकिस्तान, ये सच है, ये सच है। और मैं क्या लफ्ज अक्सर हाइब्रिड क्यों कहता हूँ, इन्हीं वजह से कहता हूँ, नाम पूरे मुस्लिम, नाम पूरे लिबरल या सेकुलर, हम है हिजड़े, सॉरी टू से लफ्ज बड़ा, हम खुद को ही कह रहे हैं, खुद को ही कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं, अगर इसको हमारे सिस्टम को दूसरे लफ्जों में किनर बोले या हिजड़ा बोले तो मैं कहता हूँ गलत नहीं होगा, ना हमारा पूरा सिस्टम सेकुलर है ना हमारा पूरा सिस्टम इस्लामिक है, हम कहीं दरमियान में लटक गए, ना आसमान पे है ना जमीन पे है, कहीं हवाओं में मुअल्लक हैं, और उस पर हमें इधर कभी इधर हवा का झोंका लगता है इधर चले जाते हैं, उधर का हवा का झोंका उधर चले जाते हैं, कभी किसी गोद में कभी किसी गोद में, गोदे हम बदल रहे हैं, कभी हम रशिया की गोद में, कभी हम चाइना की गोद में, कभी हम सऊदी अरब की गोद में, कभी हम अब हम जाकर बैठे हैं बड़े आराम के साथ, हमारा जो बॉस है वो बिग बॉस की गोद में जाकर बैठा है, जो बिग बॉस उनको नीचे से सारे प्रेशर देता है, हर चीज़ ट्रांसफर करता है, अब ये चीज़ें ट्रांसफर करवाने के लिए गए हुए हैं, रिफ्रेश करने के लिए, सिस्टम अपडेट करवाने के लिए या डाटा एंट्री हो रही है, तो ये भाई बातें आपके सामने सबके सामने, हमारा बॉस, हमारा बॉस का बिग बॉस है हमारा साहब बहादुर अमेरिका, जिससे अफगानियों को नफरत है। मुझे तो लगता है जो ये हमारे पास जो हम थोड़ा सा गरूर है ना पाकिस्तानियों को, हमारे पास कहाँ पे गरूर नहीं है, आ जाके जो बेचारे अनपढ़ है उनको नहीं पता भी एटम बम का, हमारे पास एटम बम है वो भी उसको चाट ले, आने वाले उसको चाटे,
उसको जो एटम बम बनाया है उसको चाटे, यही काम रह गया पाकिस्तान। हो सकता है कि वो उसको भी किसी तरीके से है ना उसको इन पाकिस्तान से ले लें, ये हो सकता है। इतना कर्जा पाकिस्तान पर हो गया है, पाकिस्तान सारा बिक चुका है तकरीबन, हर चीज जो हमारे बड़े बड़े हमारे एयरपोर्ट्स है हमारी मिल्स है वो, और इसके अलावा मोटरवे वो भी सब जो है ना हमने जो गिरवी रखी हुई है। वालिस्तान के लोग मेहनती हैं, सच्चे हैं, बहादुर हैं, मैं इस चीज़ के कायल हूँ। और बहादुर हैं तो मैं पाकिस्तान के साथ जमीन पर खड़े होकर कह रहा था कि हम इंडिया से मोहब्बत करते हैं और इंडियन हमारे कजन है, ऐसे ही बोल रहा था ना कि इंडिया हमारे कजन है। सही बोल रहे हैं भाई, पाकिस्तान ने दिया उसको क्या है, जो ज्यादती की है, अब उन्होंने पनाह तो दी है, हालांकि जो हमले हैं एयरपोर्ट्स हैं जो अड्डे हैं वो पाकिस्तान ने खुद अमेरिका को दिए, जुल्म खुद करवाया, उसके बाद वो बेचारे भाग के इधर आए हैं, पनाह ली है और उसके बाद जाते उनको निकाल भी रहे हैं, हालांकि इतना टाइम हो चुका है, इतने साल वो यहाँ पे रहे हैं फिर भी उनको निकाल रहे हैं, सहूलतें देने की बजाय उनके उनसे उनका घर छीन ले रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि भाई वो जा रहे हैं तो उसके उनके जाने के बाद उनसे फिर टैक्स ले रहे हैं, चले भाई आप जा रहे हैं तो आप जाने का टैक्स ले दें, 810 या मेरे ख्याल में 830 डॉलर है ये। मैं तो कहता हूं मैं जिंदगी में पहली दफा देखा है और सुना है कि भाई किसी को निकाल रहे हैं फॉरनर को तो उनसे भी टैक्स ले रहे हैं, ये पहली मतलब ये अजीब ही सिस्टम हमारे मुल्क में चला है। तो फिर नफरत वो क्यों ना करे, नहीं तो इसका मतलब है कि जो पाकिस्तानी दूसरे ममालिक में रहते हैं वो भी इनको उनको निकाल देंगे फिर, और फिर उनसे डॉलर भी लेंगे, फिर ये चीखेंगे, ये इनकी आवाजें निकलेंगी भाई। खैर मिलते हैं वीडियो में, नाटा साथ अब तक दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।